हाफ प्लेट पड़ा है ऐसे मगा मेरी ससुराल में ये प्लेट है जब फुर्सत आई निकली छन को ऐसे आप वहां पर तभी दिल तुले चल कहीं हाँ उप सरगम लड़की की आवाज में है हाँ एक रेशम हाँ जी तभी दिल तुले चल कहीं लड़की सत अभी दिल तुले चल कहीं जहाँ मेरे बस में हर नजारा हो कुछ पल में जीओ यही दिल तो ले चल कहीं दिल तो ले चल कहीं फुर्सत अभी है जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं फुर्सत में फोन भी चल रहा है आज इसको इधर मैं रिकॉर्डिंग में फोन करता हूँ है जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो कुछ पल में जी लो यही दिल तो ले चल कहीं सेकंड लाइन ऑन क्यों अलग अलग भी कर सकते कुछ पल में जी फिर वाला दिल ठीक है मगा मगा रे ससारी से है जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं है जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो कुछ पल में जी लो यही दिल तू ले चल कहीं फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा जहाँ बादल का किनारा हो मेरे लब पे अरे मेरे बस में दिल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो सॉरी
सारी सारी सुनी हर नजारा हो अच्छा जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो तारा हो बस में होनी चाहिए फिर से जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो ले चल कहीं दिल है यार अच्छा मैं जी लू यही दिल तू ले चल कहीं चल कहीं कुछ पल मैं जी लूं यही दिल तू ले चल कहीं तू बद इतनी बड़ी हो कुछ पल मैं जी लूं यही ऐ दिल तू ले चल कहीं वॉइस थिना करके गाओगे ये टोन ठीक लग रहा है या ओपन टोन ठीक लग रहा है ये अच्छा लग रहा है हां ये अच्छा लग रहा है लड़की भी थोड़ी बचकानी बचकानी लग रही है ना तो मतलब टीनेजर है ना कैरेक्टर अपना थोड़ा फिर से करते हैं थोड़ा वैसे थोड़ा वॉइस को थोड़ा हल्का कर देते हैं है जो फुर्सत अभी दिल तुल चल कहीं अभी कह सकते हैं जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो कुछ पल मैं जी लूं यही दिल तू चल कहीं चल कहीं अब ले चल कहीं पिछले वाले कर तू फलक की तो क्या तू फलक कुछ वर्ड मिसिंग है सुना घर में जमी हूँ तू फलक की सदा है खुदा खुदा की है वह नहीं मेरी तू नहीं सर खुदा की है रहमत अच्छा ना ना मेरी तू अप्सरा है तो मेरे पास कंप्लेंट भी नहीं होगी बस गए बात खुदा की है रहमत मेरी तू अप्सरा है घर में जमी हूँ
तू फलक की सदा है, ये समझ ना है। घर में जमी हूँ तू फलक की सदा है, खुदा की है रहमत मेरी तू अप्सरा है। मैं जमी हूँ तू फलक की सदा है, खुदा की है रहमत मेरी तू अप्सरा है। अगर मैं जमी हूँ तू फलक की सदा है, खुदा की है रहमत मेरी तू अप्सरा है। तू फलक की सदा है का टेल में गड़बड़ हुआ, सुना है। अगर मैं जमी हूँ तू फलक की सदा है, खुदा की है रहमत मेरी तू अप्सरा है। ठीक है जहाँ बादल का किनारा किनारा हो मेरे बस में। हाँ। जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो। अच्छा क्या भाई यहाँ जगह है। हो कुछ हाँ हाँ जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो। जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो। जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो। सुखो पास आके तुझे मुझको मिला है। ओ मैं तू बस यही इल्तजा। तू डाले रहे बाजू में ताकत ऐसी हो जाएगी ना, तू डाल देते तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तू हो बाजुओं में कौन सा रहे बाजुओं में, तू रहे बाजुओं में, रहे बाजुओं में तू बस यही इल्तिजा है। रहे रहे दोनों, हम दोनों एक साथ बाजू में, किनके बाजू में दोनों रह जाएंगे। रहे बाजू में हम एक दूजे की इल्तिजा, ऐसा भी हो सकता है। रहे ना, अच्छा बच्चों का हिंदी क्लास हो रहा है थोड़ा। रहे यानी हम दोनों रहे और तू रहे तो सिर्फ रहे। रहे बाजुओं में तू बस यही इल्तिजा है, सुखों पास आके तू है, सुखों पास आके वो मिला। अरे ये तो सुखों पास आके तुझ में मुझको मिला है। अच्छा अच्छा सर, नहीं वो पहले ही बोल दिया, हिंदी में पहली बार टाइपिंग की है थोड़ी सी।
सुकू पास आके एक साथ टाइप करते हैं तो फिर समझ में सुकू पास आके तुझ में ये सुना दीजिए यार ये ब्रेकिंग ये समझ में नहीं आ रहा है और साथ में कोई बड़े सुर में गा रही है कहीं कोई क्या है क्या है जहाँ बादल का किनारा हो जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो मेरे मेरे के बाद बस में हर नजारा हो पिछले वाले से डाल सकते हैं चल कहीं कुछ पल न जी लो यही ऐ दिल तू चल कहीं कुछ पल न जी लो यही ऐ दिल तू चल कहीं भयंकर चीज है साथ में वहाँ मुझे काम आ सकता है रख लेते नहीं मैं इसके लिए ये समझी कुछ पल मैं जी लूं यहीं हाँ तेरा डर है ये जो है ना ये रिपीट कर पूरा नहीं पूरा नहीं खाली लास्ट का सिर्फ ये जो टुकड़ा है ना ये आ तो बताइए क्रेजी लम्हे कौन है क्रेजी लम्हे में दिलखुश जी अभी बीच में आपने एक और नाम डाल दिया क्या अमित शरद त्रिवेदी अमित शरद त्रिवेदी वो अमित अलग में अलग अच्छा बोलिंग हां शान भैया बताइए क्या कहना चाहेंगे क्रेजी लम्हे के गाने के बारे में और अपने लम्हों के बारे में तो आपने बहुत तब तक तो ठीक चल रहा था जब तक आप पूछे कि क्रेजी लम्हे के बारे में अपने लम्हों के बारे में बताइए फिर मैं जरा संकोच में आ गया कि ये कैसा सवाल रहा लेकिन अपने लम्हे भी अच्छे भी थे बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त थे यार हैं तो उनके साथ हंसी मजाक में बहुत अच्छा गाना हुआ रोमांटिक गाना है आजकल ऐसे गाने कम होते हैं जिनमें एक अच्छी वर्ड्स हैं अच्छी बातें हैं और पलक जो आजकल की उभरती आवाज़ है बहुत अच्छी उन्होंने गाया तो उनके साथ सुर और सुर ताल से ताल मिलाकर गाने की कोशिश की है यंग कास्ट है तो उस हिसाब से थोड़ी सी यूथफुल यंग आवाज़ रखकर इसको पेश किया गया है ऑफकोर्स वंडरफुल कंपोज़र अमित शरद त्रिवेदी जी वैसे आजकल तीन कंपोजर्स चार कंपोजर्स एक ही हैं नाम उनके दो नाम हैं अमित शरद त्रिवेदी और नदीम जी ने गाना लिखा है कहाँ गए नदीम साहब हाँ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है वंडरफुल और बस बहुत अच्छा गाना बहुत अच्छी धुन है अच्छा आज की तारीख में इस तरह के गाने कम देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत फास्ट आते हैं और चले जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जुबान पर रह जाते हैं आप कितने इत्तेफाक रखते हैं इस बात से नहीं ये बात भी सही है लेकिन आजकल फास्ट का ही ज़माना है चाहे गाना हो चाहे फिल्म हो हर कोई चाह रहा है कि चार दिन छः दिन का अच्छा खासा बिजनेस हो जाए खबरें भी देखी ना ये खबर अगर आप कल तक नहीं डाले तो ये पुराना हो गया फिर बोलेंगे इसका क्या करना है तो सब कुछ फास्ट ही हो रहा है तो उस स्पीड में किसी चीज़ को अगर मार्केट में पकड़ना हो तो उस तरह का ही चीज़ करना होता है इसलिए ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं डायरेक्टर होते हैं वो चाहते हैं कि वैसे ही गाने हो जो फास्ट हो कैची हो इंस्टेंट हिट हो तो खुश हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस पथ को ना चुनते हुए एक अच्छी मेलोडी उस गाने को भी रखा है फिल्म में सो ये नहीं हर किस्म के हम लोग जब अभी सब दोस्त एक साथ मिलकर डांस वांस कर रहे हैं तो वो सारी जो गाने उस पर हम भी नाचते हैं खूब गाते हैं एंजॉय करते हैं जब अकेले हैं या जब ड्राइव कर रहे हैं जब रिलैक्स्ड हैं तो सॉफ्ट गाने हों तो और पसंद करता हूँ
जैसा आप नहीं नहीं एंजॉय तो करना ही है, वरना गाना कौन सा ऐसा सीरियस चीज़ है कि एकदम उसको बड़े सीरियस ढंग से गाना है। एंजॉय करना है, गाने की जो फ्लेवर है, गाने की जो स्पिरिट है उसे रखना है, और जो रोमांटिक गाना है लेकिन लाइट रोमांटिक गाना है, ऐसा नहीं कि बहुत संजीदा सीरियस दुखी गाना है। तो आपने शान भैया को मद्देनजर रखते हुए इस गाने को कंपोज़ किया, बिल्कुल क्या क्या पसंद है आपको शान भैया की वॉइस में, या किस तरह का अंदाज पसंद है शान भैया, कुछ बताना चाहेंगे? आवाज बहुत रोमांटिक है शान जी की, तो ये रोमांटिक सॉन्ग है तो ऑफ कोर्स शान, तो पहले से सोच रखा था बिल्कुल। तो फाइनली शान भैया चुनाव का दौर है खत्म हो चुके हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? खत्म कहाँ हुए हैं, लगभग हो ही गया वोटिंग लास्ट स्टेप? नहीं नहीं, फिर भी बहुत सारे स्टेट्स में वोटिंग बाकी है, हमारे बम्बई में हो चुका है और बहुत कम लोग गए वोट करने के लिए, लेकिन जो गए उनको भी वोटिंग कार्ड नहीं मिला और बहुत सारे समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा, कहीं मदर लिस्ट में नाम है तो किसी और लिस्ट में नाम नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्तों को भी ऐसा हुआ, 2-3 पोलिंग बूथ में गए लेकिन नाम नहीं मिला। पता नहीं इसका क्या एक भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी है या फिर रिंगटोन की तरह ये भी कुछ यू नो अजीब सी चीज़ हुई है, तो वो देखेंगे आगे, वक्त ही बताएगा। कुछ काफ़ी लोगों ने PIL दर्ज किया है, देखते हैं क्या है। हाँ वाह, बातों बातों में ऐसे आप पूछ लेंगे, सीक्रेट बैलेट भी कोई चीज होती है। वोट तो दिया है मैंने लेकिन किसे दिया है मैं क्यों बताऊँ आपको? नहीं ना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब आएंगे वही करेंगे जो करना है, मतलब अच्छा काम करेंगे। इस बार तो जो भी आएगा अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि जो लोग हैं काफी अभी सतर्क हो चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई गोलमाल हो, कुछ गड़बड़ हो, तो जो भी आएगा अच्छा ही करेगा। लेकिन जिस हाल में नए गवर्नमेंट को ये देश पेश किया जा रहा है उस हाल में मुश्किल है कि वो कुछ ठीक कर पाए, उसको रिकवर करना ही बहुत वक्त लग जाएगा उसमें। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे पुराना गवर्नमेंट वापस आए, नया आए या फिर बिल्कुल नया आए, उससे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है, जो डेफिसिट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद 2-3 साल तो उन्हें वक्त देना पड़ेगा। कोई चेंजेस भी देखना चाहेंगे आने वाली गवर्नमेंट से? बहुत सारी चेंजेस, लेकिन अभी आपके पास उतना वक्त कहाँ है। लेकिन हो सकता है बहुत सी चीज़ें, अभी जैसे कल मैं एक प्राइवेट कंपनी में परफॉर्म करने गया था, तो वहाँ की जो सिस्टम्स देखा, जिस तरह से वो उस कंपनी को चला रहे हैं, तो बहुत इम्प्रेस था मैं, और लगा कि अगर इस तरह से ही अगर देश के बारे में भी सोचे कोई तो अच्छा हो सकता है। तो स्टील कंपनी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने एक तो अपना पूरा जो फैक्ट्री दिखाया, इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत साफ़ सुथरा, कहीं सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान था उनका, फिर जो उनकी जहाँ लोग रह रहे थे तो वहाँ उनकी जो सुविधाएँ दी थी बहुत अच्छी दी थी। तो काफ़ी ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स ही चलाते हैं देश को, देखिए थोड़ा सा उनके लाभ के साथ साथ अगर उनके उस क्षेत्र में जो रहते हैं उनका भी अगर लाभ कर लें तो अच्छा ही हो जाएगा। कहाँ है सर पेपर? हाँ, है जो फुर्सत अभी दिल तू, सॉरी यार, है जो फुर्सत अभी दिल तू ले चल कहीं, जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में, हर नजारा हो कुछ पल में, अरे जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में, हर नजारा हो कुछ पल मैं जी लूं यही, ऐ दिल तू ले चल कहीं। ये तो हमारे देश के लिए भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, बातों से देखिए, जहाँ बादल का किनारा हो मेरे बस में, हर नजारा हो कुछ पल मैं जी लूं यही, मेरे दिल तू ले चल कहीं, वही है जो भरता सितारा हो, कहीं ऐसे एक हिंदुस्तान में मेरे दिल तू मुझे ले चल। हाँ क्या बात है, आगे आगे इस तरह से ही चलता है, पूरा नेचर से जुड़ा हुआ गाना है। कौन है पीछे, आप आ जाइए आगे।
स्माइल हो गया मंदिर है। गांधी जी आई थी, राजीव गांधी आए थे, 3 महीने बाद दोनों का देहांत हो गया। तो जो भी ऐसे पॉलिटिशियंस यहाँ आने से डरते हैं। लेडी कोरियोग्राफर जो है, थैंक यू, छोटा मोटा चैनल थोड़ी है, आपके तो जल्दी हम देख रहे हैं कई सालों से। बताइए क्रेजी लम्हे में आज जो क्रेजी गाना मतलब रिकॉर्ड हुआ है ईशान भाई की आवाज़ में, किस मूड को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इसे कंपोज और आपने लिखा है? ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और ईशान भाई की आवाज़ बहुत रोमांटिक है, तो उस हिसाब से गाना किया हुआ है ईशान की वॉइस में। हम लोग का यही कोशिश थी कि उसको क्रेजी ही किया जाए सबको। इतना खूबसूरत गाना अमित जी ने कम्पोज किया, जो मैंने सोचा था शायद उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत कम्पोज किया अमित जी ने। मैं बहुत खुश हूँ ये गाना कंपोज किया था। हाँ, ईशान भाई की आवाज़ के लिए ही बनाया था ये गाना, उनकी वॉइस को ही अच्छा लगेगा इसलिए बनाया। कितने टाइम लगा इस कंपोजिशन के लिए? अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है अच्छा गाना बनाने के लिए, समय तो लगता है। जब कॉमेडी करते करते उन्होंने एक रोमांटिक सॉन्ग गा दिया, देखिए वो कॉमेडी अलग है लेकिन जब वो गाना अगर टेक दे तो वो प्रॉपर रहता है। कॉमेडी अपनी जगह है, किशोर दा भी बहुत कॉमेडी करते थे लेकिन जब गाते थे तो एकदम प्रोफेशनल हैं सब लोग। किस किस मूड के गाने हम लोगों मिलेंगे? क्रेजी लम्हे में 5 गाने हैं और 5ों गाने अलग अलग मूड के हैं। पंजाबी गाना भी है, एक क्लासिकल सॉन्ग भी है और एक रोमांटिक है और एक इंडियन टाइप का एकदम फुल इंडियन रिदम वाला। दो लाइनें जरा गुनगुना के सुना दिया आपको। है जो फुर्सत, है जो फुर्सत अभी दिल तुले चल कहीं, जहां बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो, जहां बादल का किनारा हो मेरे बस में हर नजारा हो, कुछ पल में जी लूं यही, ऐ दिल तू ले चल कहीं, ऐ दिल तू ले चल कहीं। थैंक यू। क्या सोच कर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या स्टोरी इतनी पसंद आई? एक्चुअली हम जस्ट ऐसे ही बैठे थे, ठीक है, तो हमारे माइंड में था कि फिल्म बनाना है हमें और सोच रहे थे कुछ अच्छा सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट मिला हमको। हम एक्चुअली सब्जेक्ट सोचने में बहुत टाइम नहीं लगा था लेकिन हमारे माइंड में था ऐसे कुछ सामाजिक तथ्य, मतलब तथ्य थे जो आजकल चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक कहानी बनाई है, बहुत प्यारी कहानी है। कौन कौन स्टार रहेगा फिल्म के अंदर? देखिए हमारी प्लानिंग तो है कि हम कुछ अच्छे स्टार जो मार्केट के स्टेबलिस्ट हैं, मतलब जिनका नाम है, उनको रखें। हमारा कास्टिंग चालू है, अभी कुछ खास फाइनल नहीं हुआ है। आर्यनवेद जी फाइनल हो चुके हैं, बाकी भी चल रहा है। आपकी फिल्म में मार्केट के काफी बड़े बड़े सिंगर गाने गा रहे हैं, तो कितना मतलब बहुत मुश्किल होता है ऐसे सिंगर आने के लिए और उनको टाइम मिलने का लेकिन लेकिन आपको टाइम पे टाइम मिलता जा रहा है और सिंगर काफी बड़े मार्केट के हैं, बेनिफिट मिलेगा आपको म्यूजिक बेचने का? पक्का मिलेगा उसमें, और अच्छे से अच्छा बनेगा वो भी। कितना सेटिस्फाइड है आप, कितने खुश हैं इस वक्त म्यूजिक को लेकर अपने? नहीं, हम तो 200% खुश हैं इस म्यूजिक को लेके, क्योंकि हमारे म्यूजिकल डायरेक्टर जो है हमारे अमित जी, अमित शरद त्रिवेदी जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इवन हमारे जो लिरिक्स लिख रहे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। हम ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं कर रही, कोई बात ही नहीं है। आज शान भाई ने जी काफ़ी खुश हुए हम लोग शान जी को देख के, और उनका उनको तो पहले सब लोग जानते हैं, अच्छे गाने गाते हैं, रोमांटिक मूड के आदमी हैं। हमारा गाना भी रोमांटिक था तो उनसे बेटर कोई ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास। कब तक फ्लोर पे जा रहा है? बस 15 से 20 मई के आसपास। अगर बजट की बात करी जाए तो कितना खर्च करने वाले हैं?
देखिए दिल खोल के खर्च करेंगे, जहाँ जरूरत है वहीं खर्च करेंगे, पैसा फेंकेंगे भी नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत है, जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, वो करेंगे। फिल्म का रिलीज करने का कब तक कह रहा था? ऐसे की प्लानिंग अभी तो नहीं हुई है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को मैसेज मिल ही जाएगा। क्या तैयारी कर रहे हैं और कितनी तैयारी कर चुके हैं और क्या जलवा करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अब तक जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और उन्हीं की इच्छा है ये सब, और आई थिंक पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं। ये शुरुआत अच्छी की है, एंड भी अच्छा ही करेंगे। स्टोरी के ऊपर कितनी कमांड है इस वक्त, कितना प्रिपेयर तैयार कर चुके हैं अपना? देखिए स्टोरी की जहाँ तक सवाल है तो स्टोरी अपने आप में एक पिलर है, सबको पता है ये बात। फिल्म का मेन हीरो सब्जेक्ट होता है, जो हमारे इस टीम को मिला है, मतलब सब लोग काफ़ी खुश है सब्जेक्ट से, और वो एक सपना एक फ्यूचर है हम लोगों के लिए, और बेहतर तरीके से उसको हम लोग सब लोग मिलकर बनाएंगे। स्टार कास्ट मार्केट की कौन कौन इस वक्त माइंड में है? देखिए माइंड में तो काफ़ी लोग चल रहे हैं, बट धीरे धीरे बहुत अच्छा होते जा रहा है, और चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर जो है मनीष जी, मुकेश जी, राकेश जी, इन लोगों का कहना भी है, व्यक्तिगत सोच भी है, कि हम मार्केट के ही लोगों को लेकर के कुछ चेहरे ऐसे हो जो लोगों को पसंद हो, तो कोशिश यही है कि उनको लेकर करेंगे। शान्या आज गाना गाया है, उस दिन अनमोल ने गाया था, किस किस मूड के गाने हैं और कितना म्यूजिक से खुश हैं आप इस वक्त? बहुत, म्यूजिक तो सबसे प्रथम चीज़ होती है फिल्म की, क्योंकि आता वही पहले है और लोगों तक पहुंचता भी पहले वही है, तो म्यूज़िक जहाँ तक की बात है कि म्यूज़िक डायरेक्टर अमित शरद त्रिवेदी जी ने बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन किया है, और उन्होंने जो फ्लेवर दिए हैं वेस्टर्न इंडियन अलग अलग तरह के सिचुएशंस है, तो सॉन्ग तो लवली, बहुत प्यारा सॉन्ग है। अगर आपको डायरेक्शन की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने इस वक्त? देखिए अभी तक तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अब हमारा वक्त भी नज़दीक आ रहा है, तो अब तक तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करके आगे आ रहे हैं, हमारी बारी आएगी तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी सद्बुद्धि दे और इतनी शक्ति दे कि हम उनके लिए कुछ अच्छा करके दें। वेलकम। अरे राणा जी आप गाना लिखे पढ़ के सुना तो इसमें दो तीन गीत है मेरे, तो एक पंजाबी नंबर है, दूसरा क्लासिकल है, एक है रात बुनो एक सपना सुबह उधेड़ूं, धागा टूट जाए कभी रंग छूट जाए कभी, एक इस तरह का गीत है, एक पंजाबी नंबर है कि आशिकी दे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, स्वीट स्वीट सोनी 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 स्वीट 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 सोनी कुड़ियों से दिल जोड़ ले, कर लव शब बाकी कम छोड़ दे, ले ल मजनू हीर रांझा ले ल मजनू इन सब से आगे तू दौड़ दे, आशिकी दे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, आशिकी दे सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, इस तरह के गीत हैं। कंपोजिशन आपको मिली थी, थॉट बताया गया था, ये स्क्रिप्ट के कौन से पार्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट सुनाया गया था, सिचुएशन दी गई थी, उस पर ये काम हुआ है। रिसर साहब की अगर बात करें तो कितने पसंद आए आपके लिखे हुए गानों में? नहीं, जैसे कि वो हामी भर रहे हैं, जिस तरह की काम उन्हें पसंद आ रहा है, उनकी जो गुंजाइश थी जिस हिसाब से, कि तो हैप्पी है।